हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आरबीएससी की क्लास 6 से लेकर 10th तक की मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी, लेकिन क्लास 6 जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हो गई, और बच्चे अब डिमांड कर रहे कि मैम जो है क्लास 6 कंप्लीट एक वीडियो जो कि हमको प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, जिन बच्चों को पास पीडीएफ है तो वो बच्चे जो है वो पीडीएफ से याद कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ पर जो है वो याद कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल जो है वो आपके बाद में रिवीजन के टाइम में बहुत काम आने वाली है। यहाँ तक कि थर्ड ग्रेड का जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी आरबीएससी की बुक जो है वो भी आपके काम आएगी। अब देखिए, जो हमारा राजस्थान बुक है एनसीईआरटी के साथ में चल रही है, वो भी मैंने आपको 6 से 10 तक की करवा दी है। आरबीएससी की जो 6 से 10 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसकी पीडीएफ जो है वो सभी बच्चों को मिल चुकी है। तो यहाँ क्लास 6 की आप लोगों को रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 6 जो है वो कंप्लीट एक ही वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने याद कर लिया है तो वो उनके आंसर भी देने की कोशिश करें। तो आरबीएससी में चैप्टर 16 से हिस्ट्री जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 1 देखें, बैराट सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिलते हैं? बैराट सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है हमारा राजस्थान की जो बुक है उसमें भी है, जयपुर जिले में। नेक्स्ट देखें, बैराट स्थल किस जनपद की राजधानी थी और यहाँ किस काल के अवशेष मिले हैं? बैराट स्थल किस जनपद की राजधानी थी और यहाँ किस काल के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर मत्स्य जनपद की राजधानी रही और यहाँ पर महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो है जिन बच्चों को लग रहा है रिपीट है, रिपीट नहीं है। आरबीएससी में आपकी इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ राजस्थान की हिस्ट्री जो है वह भी इंक्लूड है, और अब जो बुक चल रही है वर्तमान में उसमें उसी को, राजस्थान जीके को जो है वो अलग कर दिया गया है, और साथ में एनसीईआरटी की बुक चल रही है। क्वेश्चन 3 देखें, बैराट स्थल से मौर्यकालीन किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? बैराट स्थल से मौर्यकालीन किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से अशोक जो शासक है उसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं बैराट स्थल से, और बैराट स्थल कहाँ है? जयपुर जिले में। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह कांतली नदी सीकर में, सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से किस काल के अवशेष मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से किस काल के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर हमें ताम्र पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन अवशेष जो है वो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन सभ्यता जहाँ से तांबे के अवशेष मिले। राजसमंद जिले में स्थित कौन सा गांव बनास या आहड़ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? राजसमंद जिले में स्थित कौन सा गांव है जो बनास या आहड़ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो वह है पचमता गांव। पचमता गांव कहाँ है? राजसमंद जिले में। राजस्थान के किस स्थल से लेपिस लेजुली, जिसका अर्थ होता है जवाहरात, इसके अवशेष पाए गए हैं? तो पचमता गांव जो कहाँ है? राजसमंद जिले में। तो यहाँ से हमें लेपिस लेजुली जवाहरात के अवशेष पाए गए हैं। तो बहुत अच्छी रिवीजन आपकी होने वाली है। पूरा मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण स्थल जो कि परमार वंश की राजधानी थी, पूरा मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण स्थल जो कि परमार वंश की राजधानी थी, तो वह थी चंद्रावती आबू सिरोही में। पूर्वी राजस्थान का कौन सा स्थल जहां से तांबे और हड्डियों के उपकरण और कुल्हाड़ी मिली है? पूर्वी राजस्थान का कौन सा स्थल जहां से तांबे और हड्डियों के उपकरण और कुल्हाड़ी मिली है? तो वह है नोह सभ्यता, और नोह सभ्यता कहाँ की है? भरतपुर जिले की है। उदयपुर के निकट किस स्थल से ताम्र पाषाण कालीन बर्तन, मूर्ति और अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, और भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उदयपुर के निकट है ये स्थल, कौन सा है? बालाथल स्थल। भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थल जहां से पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण एवं पुरावेश एक टीले की खुदाई में प्राप्त हुए किस नदी के किनारे विकसित हुए हैं? तो भीलवाड़ा जिला है। बागोर नामक स्थल जहां से पाषाण और ताम्रकालीन उपकरण और पुरा अवशेष एक टीले की खुदाई में प्राप्त हुए, तो उस नदी का नाम बताना है, किस नदी के किनारे ये विकसित हुई? कोठारी नदी के किनारे।
उदयपुर के उत्तर पूर्व में किस स्थल से खुदाई में एक टीले के रूप में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ के समान ही एक टीले के रूप में जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं उदयपुर के उत्तर पूर्व में, वो है ग्लूंड सभ्यता, ठीक है, जो कहाँ है, राजसमंद जिले में। आहड़ सभ्यता जिसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है किस नदी के किनारे विकसित हुई? आहड़ सभ्यता जिसे हम ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं, तो यह किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था, सरस्वती नदी। तो इस नदी के किनारे ये विकसित हुई, घग्गर नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, हिमाचल से निकलती है, हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, और गंगानगर में जाकर ये कैसी नदी है, अंतरप्रवाही नदी है, और वहां जाकर ये लुप्त हो जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता आपके टॉपिक है और सिलेबस में देखिएगा आप, तो देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की सभ्यताएं हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता, और चैप्टर में जो भी कुछ दिया है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं आपको पूरा करवाऊंगी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो यह शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का चनूदड़ो नामक स्थल स्थित है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का चनूदड़ो नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से हमें मनके बनाने के जो उद्योग हैं वो मिलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम और कब खोजा गया? तो सबसे पहला नगर कौन सा रहा सिंधु सरस्वती सभ्यता का, जिसके नाम पर ही सिंधु सरस्वती सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो वह स्थल है हड़प्पा, ठीक है, और इसीलिए जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो यह कब खोजा गया? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? तो वह थी तांबा। इतिहास जानने की पूर्वजों के जन्म से मृत्यु तक के लेखा जोखा बहियों को किस नाम से जाना जाता है? इतिहास जानने की पूर्वजों के जन्म से मृत्यु तक के लेखा जोखा बहियों को हम जानते हैं वंशावली के नाम से। इस तरीके से चैप्टर 16 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 17, वेदों की संख्या कितनी मानी गई और इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों की संख्या कितनी मानी गई है और इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सबसे पुराना है ऋग्वेद। क्वेश्चन 2 है, काल के आधार पर वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? काल के आधार पर वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई। क्वेश्चन 3 है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद नहीं लिखा गया? उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद नहीं लिखा गया? तो देखिए ऋग्वेद, जो कि पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल में जो तीन वेद हैं वो लिखे गए। क्वेश्चन 4 देखें, प्राचीन गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह किस वेद में है? तो वह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है? तो एक मंत्र है और वह है गायत्री मंत्र। कौन सा वेद गद्य पद्य में लिखा गया? कौन सा वेद जो कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया? तो वह है यजुर्वेद, जिसमें हमें यज्ञ संबंधी जानकारी मिलती है। कौन सा वेद चंपू शैली में लिखा गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन सा वेद चंपू शैली में लिखा गया? तो वह है यजुर्वेद, जो कि गद्य पद्य शैली में लिखा गया, और गद्य पद्य शैली को ही हम क्या कहते हैं, चंपू शैली। कौन सा वेद देवताओं को समर्पित है? कौन सा वेद देवताओं को समर्पित है? तो जैसे चार ऑप्शन आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो वहां पर आपको करना है कि सामवेद, जो कि देवताओं को समर्पित है। कौन सा वेद चिकित्सा विधि का ज्ञान कराता है? कौन सा वेद चिकित्सा विधि का ज्ञान कराता है? तो वह है अथर्ववेद, इसमें हमें जादू टोना औषधि संबंधी जानकारी भी मिलती है।
वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वहां भाषा जो थी वह कौन सी थी? संस्कृत थी। वैदिक काल में विदुषी स्त्रियों के नाम बताइए। वैदिक काल में विदुषी स्त्रियों के नाम बताइए। तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी थी। अपाला, घोसा, लोपामुद्रा, तो इन सभी को युद्ध करने और इसके साथ यज्ञ संबंधी इन क्रियाओं में भाग लेने में भी जो है इनको आजादी थी। और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में इनसे ये सभी स्वतंत्रता छीन ली गई। वैदिक काल में व्यक्ति के जीवन के कुल कितने संस्कारों का वर्णन मिलता है? वैदिक काल में व्यक्ति के जीवन के कुल कितने संस्कारों का वर्णन मिलता है? तो 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जैसा काम करता था तो उसे उसी वर्ण में गिना जाता था। तो देखिए वैदिक काल जो कि बहुत अच्छा काल माना जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल यहाँ पर आते आते स्थिति जो है वो खराब हो गई। स्त्रियों की स्थिति जो है वह भी दयनीय हो गई। उनसे अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, युद्ध करने या यज्ञ में जो है यज्ञ संबंधी कार्यों में उनको साथ में बैठाने, ये सभी कार्य जो उनसे छीन लिए गए। वैदिक काल में ग्रामों के समूहों को मिलाकर बनी इकाई को क्या कहते हैं और इस इकाई के प्रमुख को क्या कहते थे? वैदिक काल में ग्रामों के समूह को मिलाकर बनी इकाई विश कहलाती थी और इसका जो प्रमुख होता था वह विशपति कहलाता था। वैदिक काल में विषों के समूह को मिलाकर बनी इकाई को क्या कहा जाता था? इस इकाई के प्रमुख को क्या कहते थे? तो विषों के समूह को मिलाकर कहते थे जन, और इसका प्रमुख कौन होता था? राजा। वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे? वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था पणि। ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे? पणि। ऋग्वेद काल में निस्क किसे कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में निस्क किसे कहा जाता था? तो कौन सी धातु थी? सोने की मुद्रा। इसको क्या कहा जाता था? निस्क। निम्न के वर्तमान नाम से अवगत कराएं। तो यहां पर देखिए प्राचीन नाम है नदियों के, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुंभा, वितस्ता, अश्किनी, विपाशा, सरस्वती। तो देखिए कुंभा का क्या नाम है अभी वर्तमान? काबुल। वितस्ता झेलम नदी, अश्किनी चिनाव, विपाशा व्यास, और सरस्वती द्वसदती नदी। चारों वेदों को क्रम से लगाइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान में रखना है, सबसे पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो इसे अघन्य कहा जाता था। ध्यान में रखना है, क्या कहा जाता था? अघन्य। अभी हमने देखा क्वेश्चन कि व्यापारी को क्या कहते थे? पणि। किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो चार वेद हैं, उनमें से किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक काल की प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक काल की प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वह थी विदत। क्वेश्चन 23 देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। ऋग्वेद काल में युद्ध या लड़ाई के क्या कारण थे? ऋग्वेदिक काल में युद्ध या लड़ाई के क्या कारण थे? तो उस समय जो लड़ाई या युद्ध हुआ करते थे, मवेशी, जमीन, पानी और चारागाह की प्राप्ति के लिए होते थे। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का जो मुख्य आधार रहा वह था लोहे की खोज। तो आपसे पूछा जाए कि लोहे की खोज जो है वो वैदिक काल में हुई या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है। पूर्व वैदिक काल का समय था। पूर्व वैदिक काल का समय क्या रहा? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल का समय रहा। उत्तर वैदिक काल का समय क्या रहा? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय रहा। यदि इस तरीके से पूछा जाए कि वैदिक काल का समय क्या रहा, तब आप आंसर देंगे कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक।
ठीक है। यदि अलग अलग पूछा जाए पूर्व वैदिक काल का समय क्या रहा, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और फिर लोहे की खोज हुई, क्रांति आई, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय रहा। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो अब परिवर्तन आया, तो अब जो है स्त्रियों की स्थिति जो है वो कैसी हो गई, खराब हो गई। तो क्लास 6 का हमने हमारा अतीत चैप्टर 16 कंप्लीट किया, 17 हमने कंप्लीट किया वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, और अब हम करेंगे चैप्टर 18 महाजनपदकालीन भारत। क्वेश्चन 1 देखें, महाजनपद काल में जनों अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान क्या था? महाजनपद काल में जनों अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान क्या था? तो वह था जनपद। तो चैप्टर में जितने भी पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो सभी जो हैं यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपको मिलेंगे। महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो वह रही 16। महाजनपदों की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिली है? महाजनपदों की जानकारी जो है वो सबसे पहले मिली है बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। और देखिए रीट में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। सूरसेन जनपद की राजधानी का नाम बताइए, सूरसेन जनपद की राजधानी का नाम बताइए। तो ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड ग्रेड की यदि आप तैयारी करेंगे, सेकंड ग्रेड की करेंगे, फर्स्ट ग्रेड की करेंगे, तो आरबीएससी की बुक जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो मथुरा जो है सूरसेन जनपद की राजधानी थी। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र कौन सा था? दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र कौन सा था? तो वह था असमक। प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ये प्रारंभ में पूछा है, तो वह था काशी। यदि यहाँ पर प्रारंभ ना होता तो आपका आंसर क्या आता? मगध आपका आंसर आता, ठीक है। कौन सा राज्य 8 कुलों में बना हुआ था? कौन सा राज्य 8 कुलों में बना हुआ था? तो वह था वज्जी राज्य। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम बताइए, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम बताइए। तो वह थी गिरिवर्ज या राजगिरी, और बाद में इसकी राजधानी क्या हुई? पाटलिपुत्र। कौन सा राज्य एक संघात्मक गणराज्य था? कौन सा राज्य एक संघात्मक गणराज्य था? तो वह था वज्जी राज्य। किस राज्य के लोग अपने साहस और युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे? किस राज्य के लोग अपने साहस एवं युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे? तो वह था मल्ल राज्य के लोग। याद कैसे रखेंगे कि जो मल्ल होते हैं यानी कि तगड़े लोग जो होते हैं उनको कह देते हैं कि तुम तो बहुत मल्ल हो, ठीक है। तो युद्ध प्रियता और साहस जैसे कार्य ऐसे ही लोग करेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। किस महाजनपद का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में हमें किस महाजनपद का के बारे में जानकारी मिलती है? तो चेदी महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। हस्तिनापुर किस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर है? हस्तिनापुर किस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर है? तो यह कुरु राज्य का जो है प्रसिद्ध नगर था। यहाँ पर था आएगा, हस्तिनापुर जो है कुरु राज्य का एक जो है प्रसिद्ध नगर था। अवंती राज्य के दक्षिण भाग की राजधानी का क्या नाम था? तो अवंती राज्य की दो राजधानियां थी, उत्तर में अलग थी और दक्षिणी भाग की अलग थी। तो जो उत्तरी भाग की थी उसका नाम था उज्जैनी, और दक्षिण भाग की राजधानी का नाम था महिष्मति। 16 महाजनपद के नाम और उनकी राजधानियां, ये तो आपको याद रहनी चाहिए। तो हम लोग जो है ये भी करेंगे चैप्टर्स में। मौर्य काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? मौर्य काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? तो वह थी मंत्री परिषद। तो देखिए जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, चैप्टर आपका पूरा कवर होता है और आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन सा था? राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन सा था? तो वह था मगध, जो कि राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली था, भौगोलिक रूप से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था घनानंद। उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र किसे बनाया गया? उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र जो है, तो
वो किसे बनाया गया? तो पाटलिपुत्र को बनाया गया था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया तथा नदी का प्राचीन नाम भी बताइए? तो सिकंदर की सेना ने जो है व्यास नदी, जिसका नाम क्या था प्राचीन? विपाशा, इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नंद वंश को किसने समाप्त किया था? नंद वंश की समाप्ति जो है किसने की थी? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसके बाद जो है वो मौर्य काल प्रारंभ हो जाता है। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसको जो है पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद के बाद मगध का शासक कौन बना? घनानंद के बाद मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही बना। तो इस तरीके से 18 चैप्टर जो आपका महाजनपदकालीन भारत है, इसमें से आपके 21 क्वेश्चन जो है निकल कर आए चैप्टर में से। और अब हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 19, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिनको कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन 2 देखें, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर गलती हो जाती है। अर्थशास्त्र को हम लगा सकते हैं कि अर्थशास्त्र से ही संबंधित होगा, तो ये राजनीति से संबंधित तो है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके नंद वंश की समाप्ति की और मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस सेनापति को परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस सेनापति को परास्त किया? तो सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने कौन कौन से प्रदेश उपहार में दिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को कौन कौन से प्रदेश उपहार में दिए थे? तो कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने हारने के बाद जो है कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान उपहार में दिए, और अपनी जो बेटी थी उसकी विवाह जो है वह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था, जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया? सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया? तो वह था मैग्नेस्थीज। मैग्नेस्थीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की? मैग्नेस्थीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? मैग्नेस्थीज ने। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन संत से दीक्षा ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन संत से दीक्षा ग्रहण की? तो अपने अंतिम समय में जो है इन्होंने भद्रबाहु जो जैन संत थे इनसे दीक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो इन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर बिताया। मौर्य के किस शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? मौर्य के किस शासक को अमित्रघात या अमित्रकोट्स के नाम से भी जानते हैं? तो वह रहे मौर्यकालीन शासक बिंदुसार। मौर्य वंश के किस शासक का नाम उसके अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी भी मिलता है? मौर्य वंश का ऐसा कौन सा शासक रहा जिनका जो उल्लेख है हमें नाम जो है वो अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी मिलता है? तो वह है सम्राट अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट कब बना? अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट कब बना? तो 269 ईस्वी में बना। 269 ईसा पूर्व जो है अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। किस युद्ध के पश्चात अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला कर लिया? तो अशोक जो है बहुत ज्यादा विचलित हुए थे कलिंग युद्ध से, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई थी, और इस युद्ध के बाद इन्होंने फैसला लिया था कि अब जो है युद्ध नहीं करेंगे। अशोक के अधिकतर अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? अशोक की अधिकतर अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। सम्राट अशोक ने धार्मिक नीति के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया? सम्राट अशोक ने धार्मिक नीति के लिए कौन से अधिकारी को नियुक्त किया? तो इन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 16, सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया? सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया? पाटलिपुत्र, जो कहाँ है? पटना में। क्वेश्चन 17 देखें, निम्न को अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ भेजा? निम्न को अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ भेजा? तो देखिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सोन एवं उत्तरा को धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि
पेगू भेजा। कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने जो है धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि पेगू भेजा। महेंद्र और संगमित्रा को सिंगली द्वीप जो श्रीलंका में है वहां भेजा, जो इनके बेटा और बेटी थे। महारक्षित को यवन प्रदेश भेजा, और रक्षित को कहाँ भेजा, बनवासी जो कि उत्तरी कनाडा में है। कुषाणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? कुषाणों में प्रसिद्ध प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो वह था कनिष्क। इन क्वेश्चन आंसर को वीडियो के माध्यम से भी आप बार बार सुनेंगे तब भी ये आपको याद हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा जो समय है वो आपको बुक पढ़ने में लगेगा, कम समय जितना लग सकता है वो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में ही लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज को आप वो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इसमें है। पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर ही दोबारा से ये अपलोड किया जा रहा है। गुप्त वंश का प्रतापी शासक कौन था जिसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा? गुप्त वंश का प्रतापी शासक कौन था जिसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा? तो आपका जो 19 चैप्टर है 6 क्लास का, तो वह मौर्य काल और गुप्तकालीन भारत से संबंधित है। मौर्य काल के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो गुप्त वंश का प्रतापी शासक कौन था जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा? तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया? गुप्त वंश के किस शासक ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया? तो वह था समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिशयन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? किसी भी शासक के बारे में लिखना, उसकी प्रशंसा के बारे में लिखना। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, इनके शासनकाल में आया था भारत। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश स्वर्ण युग माना जाता है? भारतीय इतिहास में कौन सा वंश जो है वंश स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो वह है गुप्त वंश। निम्न में से कौन सा नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में नहीं था? अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें से देखिए चार, अमर सिंह, बरुचि अथवा हरिशयन। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरिशयन जो है तो गुप्त काल से ही संबंधित है, तो कई बार गलती कर देते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो है नहीं था नवरत्नों में हरिशयन। इस तरीके से 19 चैप्टर आपका मौर्य और गुप्तकालीन भारत का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से संबंधित, क्वेश्चन वन देखें। सूती और रेशमी वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र था? सूती और रेशमी वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र रहा बंगाल। भारतीय किसान औसत किसान की तरह अच्छा है और कुछ मामलों में तो उससे भी श्रेष्ठ है, ये कथन किसका है? अब देखिए कथन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी मैंने आपसे कहा था और आपके एग्जाम में आया भी। कई बच्चे बोलते हैं कथन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखिए चैप्टर में जो भी कुछ है वो सब कुछ आपको याद करना है। क्वेश्चन टू दे जो है भारतीय किसान औसत किसान की तरह अच्छा है और कुछ मामलों में उससे भी श्रेष्ठ है, तो ये कथन किसका है? डॉक्टर वायलेकर का है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो उदयपुर जो कहाँ है, ईसवाल, यहाँ से हमें लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए। किसने कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा होगा? तो ये कहने वाले थे विल्सन। क्वेश्चन फाइव, कहाँ का लोह स्तंभ 1500 साल से भी पुराना है और जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है? कहाँ का लोह स्तंभ जो कि 1500 वर्ष पुराना है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है? तो वह है दिल्ली का लोह स्तंभ। दिल्ली का जो मेहरौली लोह स्तंभ है वह 1500 साल पुराना है और अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। किस देश की ममीज को मखमल में लपेट कर रखा जाता था जो इस बात का प्रमाण है कि भारत कपड़े का निर्यात करता था? ठीक है, तो यह है मिस्र। मिस्र देश की जो ममीज थी तो उनको मखमल में लपेट कर रखा जाता था। इसका मतलब कि जो मिस्र है वो आयात करता होगा भारत से कपड़े का, और भारत में जो है सूती वस्त्र जो है वो बहुतायत मिलता था। गंगतिका क्या है? गंगतिका क्या है? अब देखिए आरबीएससी की बुक में इंपॉर्टेंट लाइन है,
कई बच्चों को नहीं भी पता होगा गंगेतिका क्या है, एग्जाम में पूछ ली जाएगी, तो बच्चे कहते हैं कि बुक से बाहर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन तो आपके बुक से ही आएगा। गंगेतिका क्या है? ढाका की मलमल या मखमल, जो यूनान में गंगेतिका के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो ये ढाका की मलमल है या मखमल, जो कि उस समय यूनान में गंगेतिका के नाम से जानी जाती थी। भारतीय सामग्री के आयात से रोमन साम्राज्य का सोना बाहर जा रहा है, ये कथन किसका है? भारतीय सामग्री के आयात से रोमन साम्राज्य का सोना बाहर जा रहा है, तो ये कथन था प्लिनी का। देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने प्रमुख मार्ग थे? देशी व्यापार के लिए उस समय प्राचीन भारत में कितने प्रमुख मार्ग थे? तो दो थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। देशी व्यापार के दो मार्गों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वो हमें महाभारत में भी मिलता है, बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है और जैन धर्म, इन ग्रंथों में भी मिलता है। कहाँ से भारत हाथी दांत सोना आयात करता था? भारत जो है कहाँ से हाथी दांत और सोना आयात करता था? तो सूती वस्त्र मसाले के लिए भारत फेमस था, और हाथी दांत और सोना ये आयात करता था अफ्रीका से, इथोपिया से। बाहर से जो आयातित वस्तु थी तो उस सूची में सबसे प्रमुख कौन सी थी? तो सबसे जो प्रमुख थी वह थे घोड़े। भारत कोरोमंडल के किन बंदरगाहों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था? भारत कोरोमंडल के किन बंदरगाहों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था? तो वह कोरोमंडल का मछलीपट्टनम और बंगाल का हुगली नदी का तट। तो यहाँ से भारत जो है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे उनके साथ व्यापार करता था। ठीक है, याद रखना है कोरोमंडल का मछलीपट्टनम और पश्चिमी बंगाल का हुगली नदी का तट। तो चैप्टर 20 जो है उसमें आपके 13 प्रश्न जो हैं वो निकल कर आए, जो कि आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 21 पर चलते हैं। तो चैप्टर 21 का नाम क्या है? हमारी सांस्कृतिक विरासत। क्वेश्चन 1 देखें, स्तूप क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल स्तूप कहलाता है। बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल क्या कहलाता है? स्तूप। तो 6 क्लास का ये अंतिम चैप्टर है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए? महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए? तो 8 भागों में जो है इनको बांटकर अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए। अमरावती नामक श्वेत पाषाण निर्मित स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? अमरावती नामक श्वेत पाषाण निर्मित स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, ये जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं 6 क्लास में, हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता संस्कृति, महाजनपदीय कालीन भारत, मौर्य और गुप्तकालीन भारत, तो जैसे छोटी क्लासेज है तो इसमें कम जो है वो जीके है, लेकिन यही चीज जो है वो आपको बड़ी क्लासेज में मिलेगी। 10th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि मौर्य और गुप्तकालीन भारत आपको डिटेल में मिलेगा, महाजनपदीय कालीन भारत डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ना समझे कि 16 महाजनपद का जो उल्लेख जो है यहाँ पर, हमें वो राजधानियां नहीं याद कर पाए 6 क्लास में, ये सभी डिटेल में आपकी 10th में है। यहाँ पर 6 में जो भी है वो सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको चैप्टर में से कुछ भी ना छूटे और चैप्टर जो है वो आपको पढ़ने की जो है वो परेशानी ना करनी पड़े। अमरावती नामक श्वेत पाषाण निर्मित स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। और इस तरीके से देखिए, आसान तरीके से जो बच्चों को प्रोवाइड किया जा सकता है, आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। सांची का महास्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का महास्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चैत्य और विहार क्या है? चैत्य और विहार क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं के जो पूजा स्थल हैं उनको चैत्य कहा गया, और इनका जो निवास स्थान है इनको क्या कहा गया? विहार। अजंता की गुफाएं किस नदी की घाटियों को काटकर बनाई गई? अजंता की गुफाएं किस नदी की घाटियों को काटकर बनाई गई? तो बागोरा नदी की घाटी जो है उसको काटकर बनाई गई अजंता की गुफाएं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं और इनमें से कितनी चैत्य हैं? कितनी चैत्य हैं? चैत्य क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल। तो इसमें जो है 29 गुफाएं हैं अजंता में, जिसमें से 5 चैत्य हैं। फ्रेस्को क्या है? फ्रेस्को क्या है?
तो भित्ति चित्रकला की एक विधि है। भित्ति चित्रकला यानी दीवारों पर जो चित्रकारी होती है, तो उसकी एक टेक्निक है फ्रेस्को। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कितने पशु अंकित हैं? अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कितने पशु अंकित हैं? तो चार पशु हैं, सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी। ठीक है, कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर आपको कि सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी के बदले एक जो है हटा दिया जाए और फिर आपको दे दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी। सर्वप्रथम किस काल में बुद्ध की मानव मूर्तियां बनी थी? सर्वप्रथम किस काल में बुद्ध की मानव मूर्तियां बनी थी? तो कुषाण काल में सबसे पहले बुद्ध की मानव मूर्तियां बनी थी। इससे पहले जो बुद्ध के अवशेष थे उनकी पूजा होती थी। क्वेश्चन 12 है, कुषाणकालीन कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? कुषाणकालीन कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो वह मथुरा और गांधार। अगला देखिए, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो यह रचना वेद व्यास ने की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? तो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई। नेक्स्ट है, निम्न पुस्तकों के रचनाकार कौन है? तो पुस्तकें हैं और इनके रचनाकार आपको याद रखना है। और देखिए, ये आपका लास्ट चैप्टर है 6th क्लास का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बुक के रचनाकार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो छोटी क्लास समझकर छोड़ना नहीं है। पंचतंत्र, इसको किसने लिखा? विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। अमरकोश, अमर सिंह ने। मृच्छकटिकम, शूद्रक ने। हर्षचरित और कादंबरी, बाण भट्ट के द्वारा। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किसने लिखी? हर्ष ने। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो इसमें से एक जो है हटाकर एग्जामिनर जो है वो पूछ लेगा कि ये किसकी रचना है। हर्ष की जगह बाण भट्ट जो है वो लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये किसकी रचना है, बाण भट्ट की है या हर्ष की है। तो आपको ध्यान में रखना है हर्ष की। सिपादिकरम, तो ये तमिल भाषा में है, इलांगरे आदिगल के द्वारा लिखा गया है। मणिमेखलई तमिल में है, ये सीतले सत्यनार ने लिखा है। नेक्स्ट देखें, चरक संहिता जो किसके द्वारा रचित है? चरक के द्वारा। ठीक है, तो ये जो नाम है ये आप ध्यान में रखें। 16th क्वेश्चन देखें, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है मौर्य काल को। कला और संस्कृति की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। अब यहाँ पर भी होता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दृष्टि से मौर्य काल जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है, और गुप्त काल जो है वो कला और संस्कृति की दृष्टि से जो है स्वर्ण काल माना जाता है। तो जितने भी मंदिर जो बनने लगे थे भारतीय शैली में, तो वो गुप्त काल की ही देन है। दक्षिण भारत के मदुरई शहर में तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत के मदुरई शहर में तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। तो इस तरीके से 6th क्लास आपकी जो है वो कंप्लीट होती है, और इतनी मेहनत मैंने की है, तो आप लोग भी मेहनत करिए, बार बार वीडियो सुनिए, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। छोटी क्लासेस समझ कर कई बच्चे जो हैं 6th क्लास में हमें क्या मिलेगा, तो ऐसा छोड़ देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।